ही गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनफिनिक्स स्मार्ट एट मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, यानी कि स्क्रीन में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे स्क्रोल करते हुए, और यहाँ पर आपसे मिल जाएगा सिक्योरिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट पर जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेट स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से पैटर्न पिन पासवर्ड किसी एक पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक पासवर्ड रख लेना है, जो भी आप रखना चाहते हो पासवर्ड यहाँ पर डाल लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे और फिर से वही पासवर्ड कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको डन करना है। डन करने के बाद ऐड फिंगरप्रिंट पर जाएंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है आपके साइड बटन पर, इस पे आपको अपनी फिंगर को स्कैन करवाना है। तो अच्छे से स्कैन करवाएंगे तो आपका फिंगरप्रिंट जो है फास्ट काम करेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से अपनी फिंगर को स्कैन करवा लेना है। तो यहाँ पर फिंगर स्कैन हो चुका है, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद दोस्तों आपका सब कुछ इनेबल हो चुका है, यानी कि स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट लग चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए फिंगर से ही ये ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो।